जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर नमन। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह, महाराणा प्रताप जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, वन मैन आर्मी। दोस्तों, हमने कई युवाओं को पूछा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का देहवास कैसे हुआ। ये सुन के दोस्तों बहुत बुरा लगा कि कोई कहता है कि जी हमने पढ़ा है कि वो ना शेर के साथ लड़ रहे थे और जी वो घायल हो गए और घायल का जो उनको जख्म हो गया था उस जख्म से उनका देहवास हो गया। अब यार, आप सब जो हमारे वीडियो देखते हैं वो सच्चे राजपूत हैं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं। एक बात बताइए, जिनका हाथी राम प्रसाद हाथियों से लड़ता हो अकेला, जिनका घोड़ा हाथियों से भिड़ता हो अकेला, जिनकी मूछों के ताव से शत्रु दूर भाग जाते हों, वो क्या एक शेर से घायल हो सकते हैं? आप खुद हमारे जो वीडियो देखते हैं, अधिकांश पढ़े लिखे हैं, अधिकांश सच्चे देशभक्त हैं। आप खुद सोचिए कि आप क्या मूर्ख हैं जो गूगल की बात मानेंगे कि जी महाराणा प्रताप जी शेर से घायल हो गए थे। चलो आपको असली सच्चाई बताते हैं जो कि हमको चित्तौड़ से ही मिली है, चित्तौड़ से मिली है। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, बचपन से ही उनको उनकी माता ने ये बोला था, ये समझाया था कि जो हमारी भारत भूमि है इसको आक्रांता लूट रहे हैं। तुम राजपूत हो, तुम्हें अपनी धरती का कर्ज चुकाना है, तुम्हें इस धरती, तुम्हारी माँ है, इस माँ को इनके हाथों में नहीं जाने देना। दोस्तों, बचपन की ही शिक्षा से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी में स्वाभिमान बहुत भरा हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल में दोस्तों युद्ध ही किए हैं। जितनी उनकी जिंदगी थी उस जिंदगी में दोस्तों उन्होंने कभी आराम नहीं किया। हर समय, हर वक्त अपनी धरती, अपने राजपूताना के लिए मर मिटने का जज्बा था उनमें, ये तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या होता है कि जो अकबर होता है, जो तुर्क अकबर होता है, वो भारत भूमि से बहुत दूर निकल जाता है, जिसके बाद कि दोस्तों महाराणा प्रताप जी की जिंदगी में युद्ध बहुत थोड़े रह जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी कैसे थे, युद्ध 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 युद्ध, फाइट 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 फाइट, ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। कुछ लोग कहते हैं कि शेर से वो घायल हो गए थे। उनके जो उनका दोस्तों गांव था, जहाँ जो उनका प्रांत था, हम गांव नहीं कह सकते, जो उनका प्रांत था, वहाँ जो जंगल में एक बार उनको एक खबर मिली कि जो उनका जंगल है वहाँ पे एक नरभक्षी जो शेर है वो गऊ माता को और भी कई पशुओं को नुकसान पहुँचा रहा है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने वो जो शेर था उस शेर को मार दिया था, जो कि हम गूगल पे कई बार फोटो देखते हैं ना, ये वो है। और हमारे जो लिखने वाले हैं उन्होंने इस घटना को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के रख दिया। और दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो पूरा जीवन काल था वो संघर्ष से भरा हुआ था। इतना संघर्ष दोस्तों कि उन्होंने अपना जो आराम था, आराम तक त्याग दिया था। और आप खुद सोचिए कि जो बंदा अपना आराम त्याग सकता है उसके साथ हो क्या सकता है। तो ये तो नॉर्मल बंदे का केस है, वो हमारे वीर शिरोमणि प्रताप जी ने, जिन्हें पूरी जिंदगी अपनी अपने राजपुताना को दे दी। एक बार दोस्तों वो किसी सख्त धनुष की डोरी बांध रहे थे, तमंचा बांध रहे थे। सख्त धनुष की तमंचा बांधते वक्त उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, पिछली साइड दोस्तों खिंचाव आ गया था, जिस खिंचाव से उनको अंदरूनी घाव हो गया था। पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी परवाह नहीं की। धीरे धीरे दोस्तों वो जो घाव था वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा था।
पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने अपनी प्रजा तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि अभी आपका जो राणा प्रताप है वो अंदरूनी बीमार है। जब दोस्तों घाव पूर्णतः बहुत आगे पहुंच गया तब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का देहवास हो गया। कई लोग कहते हैं कि वीर शिरोमणि जी की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों 9 मई को क्या होती है, जयंती। हर साल क्या मनाई जाती है, जयंती। जिनकी जयंती मनाई जाती है ना उनकी मृत्यु नहीं होती। अपने शब्दों को ठीक करिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी भगवान है आपके। अगर वो नहीं होते तो हमने आज ये जो मूछें रखी हैं मूछें नहीं होनी थी, ताड़ी होनी थी लंबी। तो दोस्तों ये सच्चाई थी। जितने मेरे युवा भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अभी शेयर करिए। जितने भी आपके जो भाई बहन बंधु हैं सबको शेयर करिए ये सच्चाई। जो शेर से लड़ते वक्त घायल हो गए थे, महामूर्ख हैं वो लोग जो ऐसी अपने भगवान के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं। सभी का आभार कीमती टाइम देने के लिए। हर हर महादेव।